नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद है जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जो हिस्सा है बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र का, जहां से वर्तमान सांसद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने फिर से केंद्रीय मंत्री को अपना प्रत्याशी बनाया है। सरहदी इलाके के इस जिले में हम जानेंगे लोगों से उनके चुनावी रुझान, टटोलेंगे उनकी चुनावी नब्ज की इस बार किसका पलड़ा यहाँ पर कितना भारी है, क्या मुद्दे होंगे जैसलमेर की जनता के अपना सांसद चुनने के। हम जानेंगे युवाओं से क्या मुद्दे हैं उनके इस बार। आप लोकसभा चुनाव में किसे अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? हम अपना सांसद रविंद्र सिंह भाटी को देखना चाहते हैं। मैं आबूर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेन समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत भारी समस्या है। यहाँ पर क्या है, दो मुख्य धारा पार्टी है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, ठीक है ना। उनके पीछे हम हमेशा वोट देते हैं लोग, ठीक है ना, कोई कांग्रेस में देता है कोई बीजेपी में देता है, फिर भी वो लोग है ना काम नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ की समस्या है पानी की, शिक्षा की, जो लोग यहाँ से दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं और काम। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मिले, कैसा उनका कार्यकाल रहा 5 साल का? क्या उनका कार्यकाल कुछ नहीं रहा, वो गाँव में नहीं आए, उनका गाँव में उन्होंने टाइम नहीं दिया। ऑल ओवर दिल्ली में एस मौज किए, यहाँ का जो रुझान है ना गांव में वो उनके प्रति आक्रोश है। मैं तो रविंद्र सिंह भाटी को दूंगा। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं? नहीं लड़ते तो फिर आगे डिसाइड करेंगे, अब तक कोई फिक्स नहीं, क्योंकि बीजेपी वाला भी काम का नहीं, कांग्रेस वाला भी काम का। कांग्रेस से उम्मीदवार ही घोषित नहीं हुआ, अगर क्या कोई उम्मीदवार अच्छा हो तो क्या सोचेंगे आप कांग्रेस के लिए? अच्छा होंगे तो सोचेंगे, अगर उम्मीदवार अच्छा होगा तो हम देखेंगे। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट शिक्षा और पानी में। अभी हम तो उम्मीद ये रखते हैं कि जो रविंद्र सिंह भाटी अगर उम्मीद बनते हैं तो उनसे बहुत मांग रखते हैं। बिल्कुल, आपको लगता है वो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे वो चुनाव। क्या क्या माहौल रहेगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा? माहौल ऐसा रहेगा कि वो एक तो वो युवा पीढ़ी का आइकॉन है, इसलिए अगर युवा पीढ़ी आती है तो नई सोच जागेगी, और नई सोच जागेगी तब जाके जैसलमेर का विकास होगा। किसको वोट देंगे लोकसभा? रविंद्र सिंह। क्या कारण? कारण युवा नेता है। क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? सब कुछ रखते, वो पूरा काम करा सकता है। अभी जो सांसद है उनका क्या काम रहा? क्या कुछ नहीं रहा, कहीं आए भी नहीं। किसको वोट करेंगे? वोट हम नरेंद्र मोदी के नाम पर कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या है कि आवास मिले हैं पूरे गांव में, जो लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं, बिल्कुल हर हर 36 कुम को आवास मिले हैं, जल स्रोत दिए हैं, लाइटें दिए हैं, और घर कनेक्शन, हर घर कनेक्शन नहर के दिए हैं। लोग बोलते हैं बिल्कुल झूठे, और अपने खुद के वादे के लिए बोले। उनको एससी एसटी ओबीसी सामान्य अन्य 36 कुम को मैं बोलना चाहता हूं कि मोदी जैसा कार्य नहीं हुआ है, और पूरी ये बॉर्डर पे अभी 17 करके रख दिया है उनको। अरे कैलाश चौधरी भी अच्छे आदमी, उनकी विकास है तभी आगे भेजे। क्या काम करवाए जैसलमेर के लिए उन्होंने? जैसलमेर के उन्हें वहाँ बैठे बैठे यहाँ जो योजनाएं थी पूरी पहुँचाई। क्या क्या योजना? योजना है प्रधानमंत्री आवास है, गाँव में सड़कें हैं, तालाब है, और डीएमपी के मामले में समस्या है वो हल करने के लिए बोले हैं, लाइटें आ रही हैं। आपको मिला है आवास? हमको आवास मिला है, हमारे परिवार को मिला। बात भी था आगे देख, कैलाश चौधरी हमारे को कैलाश चौधरी के जिसमें मत आए उनके काम। भारत का जो प्रधानमंत्री बने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और जैसलमेर का जो जैसलमेर और बाड़मेर का जो सांसद बने वो रविंद्र सिंह बने, हम ये चाहते हैं। तो है उन्हें मोदी, लोग अपना काम कर रहे हैं, ये लोग सब चापलूसी कर रहे हैं, सारी की सारी जनता चापलूसी कर रही है। आपका कहना कर रहे हैं कोई भी सही भी है, जहाँ 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 जाते हो ये युवा लोग बोलते हैं, युवा लोग नहीं है वो भी पुराने आदमी, उनको सब मालूम है कि कैसे कोई रास्ता है क्या काम करना। बुजुर्ग आदमियों ने भी, बुजुर्ग आदमियों का भी कहना है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस जीरो रही है। जीरो नहीं रही है, जैसलमेर में जीरो है, जैसलमेर में जीरो नहीं है। यहाँ कितनी लाइटें देखो, 25 साल हम बैठे हैं नहर पे, लाइट और रोड दोनों ही नहीं, बोलो 25 साल से कांग्रेस के कार्यकाल में ना तो घड़ी घड़ी लाइट पहुंची है ना पानी। 10 साल का भाजपा का जो कार्यकाल, जो अभी जो 10 साल के कार्यकाल में ढाणी ढाणी हर ढाणी बरस पानी बिजली, फिर भी आप कह रहे हैं आप सांसद को वोट नहीं देंगे? भाजपा सांसद नहीं, भाजपा सांसद को नहीं, हम मोदी को वोट देंगे, हम मोदी को वोट देंगे। आपका कहना आप रविंद्र सिंह भाटी को सांसद देखना चाहते हैं? भाजपा से आधिकारिक प्रत्याशी, भाजपा से आधिकारिक प्रत्याशी कैलाश चौधरी है। बिल्कुल वो तो है, किस तरह मोदी को वोट देंगे? बट हम आदमी को देख के बीजेपी में जाएगा, लेकिन अभी वोट तो रविंद्र सिंह को देना है, बाद में बीजेपी ज्वाइन। रविंद्र सिंह अभी बीजेपी के अंदर निर्दलीय चुनने के बाद पार्टी ज्वाइन नहीं की जा सकती, ये कानून में जाऊंगा कांग्रेस में जाएगा। अगर आप चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये कानून में, वरना आपको इस्तीफा देना। लाल जी मिले हैं वो तो बाद में मेरे हिसाब से बीजेपी ज्वाइन करे, क्योंकि उनके ऑफिशियल पेज में बीजेपी लिखा। बीजेपी को पसंद करते हैं, सांसद को पसंद नहीं करते आप? बीजेपी को पसंद करते, सांसद को पसंद नहीं करते।
बीजेपी को पसंद है। किसको वोट देंगे इस लोकसभा चुनाव? सिंह बाटे। क्या कारण है? अच्छा बंदा है, युवा नेता है। वर्तमान आपके सांसद, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कुछ नहीं। बीजेपी सरकार 10 साल की जो सरकार रही नरेंद्र मोदी की, उस पे क्या? ठीक रहा है, मोदी का कार्य अच्छा हुआ है, मोदी का कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन रविंद्र सिंह उन्हीं मोदी के सांसद और केंद्रीय मंत्री है वो। यहाँ की जो जनता है वैसे तो बीजेपी की है और बीजेपी में विश्वास करती है। कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का सरकार में? बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। इसमें जितनी प्रगति की है जितनी कांग्रेस में नहीं कही। आपकी जो सांसद है वर्तमान कृषि राज्य मंत्री, उनकी तरफ से क्या क्या काम लाए गए जैसलमेर की जनता के लिए? यहाँ सौर ऊर्जा लगवाई, खेतों में ट्यूबवेल के लिए इन्होंने व्यवस्था की पूरी, लाइट की पूरी व्यवस्था की। ये आम नहीं कर सकते, ये तो पहले भी कर सकते थे कांग्रेस। चुनाव में आप भाजपा को वोट करेंगे? जी हाँ। किसको वोट करेंगे इस चुनाव? भाजपा को। क्या कैसा कार्यकाल रहा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का? अच्छा रहा। रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल रहेगा? जीतेंगे, कैलाश चौधरी जीतेंगे। क्या कारण? कारण एक तो क्या है, कांग्रेस के तुष्टिकरण के कारण पिछड़ गई है कांग्रेस, और भाजपा क्या सबका साथ सबका विकास। भाजपा पे भी आरोप हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लगते हैं? नहीं लगते। बहुत से लोग जैसलमेर, अच्छे से कानून बनाए हैं कांग्रेस ने, जैसे मान लो 370 बनाया, 35 बनाया, और मान लो ये वक्त बोर्ड का कानून बनाया, ये क्या खिलाफ है, इसके कारण वो तुष्टिकरण कर रही है मुस्लिम हिंदू। आपके सांसद का कार्यकाल कैसा रहा? सांसद का कार्यकाल बढ़िया था। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते तो क्या माहौल रहेगा? अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा, वो एक अच्छे नेता, युवा नेता है और युवा नेताओं की समझते हैं वो बात। तो कौन जीत सकता है फिर ये चुनाव? ये चुनाव भाजपा, रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत सकते हैं। भाजपा के प्रत्याशी तो कैलाश चौधरी, फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा अगर रविंद्र सिंह भाटी खड़े होते हैं। रविंद्र सिंह भाटी तो उसमें भाजपा में है ना, निर्दलीय। हाँ तो निर्दलीय भाजपा मांगे ना वो? नहीं, निर्दलीय है वो, अभी भी नहीं है, पार्टी ने ले लिया उन्होंने। निर्दलीय विधायक है वो, पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, ये कानून है। करेंगे कानून, वो आएंगे पार्टी में आएंगे। मैं तो भैया कांग्रेस के पक्ष में दूंगा। क्या कारण है? कारण क्या है? मोदी ने बर्बाद कर दिया। वर्तमान सांसद है, कृषि राज्य मंत्री है, क्या कार्यकाल कैसा रहा? क्या कैलाश, हमने तो कभी जैसलमेर में देखा ही नहीं उसको। मैं कैलाश जी को हमने कभी देखा ही नहीं है जैसलमेर में। क्या मांगे हैं आपकी? हैं मांगे क्या है जैसलमेर? हमारे मांगे पूरी मांगे, लाइट पानी वगैरह सब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दावे कर रहे हैं सरकार जल जीवन मिशन की बात कर रही है, लाइट्स लगा दी गई है, जैसलमेर में ये चीजें नहीं हुई? नहीं, जैसलमेर ऐसी कोई चीज नहीं हुई। किसको आप कांग्रेस से बेहतर उम्मीदवार के रूप में देखते हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार तो देखो कौन कैंडिडेट आ रहा है उसके बाद। उम्मीदवार बेनीवाल अगर आते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? ठीक है, उम्मीदवार तो बढ़िया है। अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े तो क्या माहौल रहेगा? उसके भी समर्थक है हम। समर्थक है आप? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस को या चुनेंगे या रविंद्र सिंह भाटी को? रविंद्र सिंह भाटी को। क्या कारण है? कारण के वो बहुत बढ़िया आदमी है, बुलंद आदमी। क्या उम्मीदें हैं उनसे? उससे उम्मीदें बहुत है, मैं उससे उम्मीदें बहुत है, रविंद्र सिंह भाटी से बहुत उम्मीदें हैं। बाड़मेर जैसलमेर की जनता क्या उन्हें विधायक के बाद अब संसद में भेज देगी? किसको वोट करेंगे आप इस चुनाव में? हम बीजेपी को। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। वर्तमान आपके सांसद, उनके क्या काम है जिनके कारण आप? काम हमारा कहीं काम को नहीं करा, हमारे कुछ काम नहीं कराना है। अच्छा, सांसद ने आपके काम नहीं करवाया? अरे हमारा मोदी से काम है बस। सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से मोदी डायरेक्ट आई बात करें। आप किसको वोट करेंगे? हम कांग्रेस को करेंगे। किसको वोट करेंगे इस चुनाव में? कांग्रेस। क्या कारण है? अशोक, अशोक गहलोत। हाँ क्यों इतना खुश है अशोक गहलोत से आप? हमारे सब काम उसने किए। जो आपके सांसद है कौन आया था? मोदी यहाँ कहीं जैसे मैं देखा ही भी नहीं, जैसलमेर नहीं देखा। किन मुद्दों पर आप चुनाव वोट करेंगे? हम मोदी जी को करेंगे। क्या कारण है? मोदी जी जो ये 10 साल में विकास किया वो पिछले 60 साल में नहीं हो सकता है। क्या विकास किया बताओ तो सही, क्या विकास किया? विकास बहुत कुछ किया, सड़क से लेके हर चीज से लेके मोदी जी के काम से हम एकदम खुश हैं। हम तो कांग्रेस करेंगे। क्या कारण? शुरू से देते आ रहे हैं बस, ये शुरू से देते आ रहे हैं, कभी बदलाव की इच्छा आप वर्तमान किया ही नहीं हमने। जो जब अगर हारी है तो भी दिए, जीती है तो भी दिए। कट्टर कांग्रेसी है। किसको वोट करेंगे आप इस चुनाव में? मोदी जी को सर। क्या कारण है? मोदी जी है जो है। एक यहाँ पर कांग्रेस एक बीजेपी, ऐसा कैसे है जैसलमेर में? यहाँ सारे भाईचारा है बहुत, इतना भाईचारा, एक बीजेपी कांग्रेस सबको खुश रख रहे हैं आप? सबको खुश है, लेकिन वैसे है मोदी जी के साथ। किसको जिताएंगे फिर? जीत किसको नजर आ रही है? रविंद्र सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या मानोगे? रविंद्र सिंह ठीक है, ठीक है, पर पहली पसंद नहीं आप?
पहली पसंद जो है मोदी जी है। यहाँ से लोकल सांसद के रूप में देखा जाए तो कैलाश चौधरी है प्रतिद्वंदी? नहीं, वो भी काम के नहीं है। काम के नहीं है? नहीं, मजबूरी में वोट दे रहे हैं। मजबूरी में देंगे अगर देना है तो, और गजेंद्र सिंह इसको देंगे, अगर कैलाश चौधरी को देंगे तो भी मजबूरी में देंगे। कोई कैलाश चौधरी ने जैसलमेर में कुछ नहीं किया, ट्रेनें थी वो भी बाड़मेर लेके गए, यहाँ क्या किया, यहाँ तो कभी कभार दिखते हैं ये। और गजेंद्र इसके गजेंद्र सिंह जी के साथ में हम अगर यहाँ से लड़ेंगे, जोधपुर के सांसद वो, हाँ उनको कैसा काम रहा उनका, क्या उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जल की व्यवस्था हुई जैसलमेर में उनकी तरफ से? जो है चल रहा है, सब ठीक है, बाकी हर एक आते हैं जाते हैं। खड़े कौन हुए हमको ही मालूम नहीं। भाजपा से प्रत्याशी है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। भाजपा जीतेगी और कोई जीतने वाला है नहीं। आपके वर्तमान सांसद का कार्यकाल कैसा रहा, जैसलमेर के प्रति क्या क्या काम हुए? कोई काम नहीं हुआ। फिर भाजपा जीतेगी क्या करा? भाजपा तो मोदी जी के पीछे जीतेगी। आप वोट देंगे भाजपा? बिल्कुल देंगे। काम नहीं करवाए फिर भी वोट देंगे। रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते हैं तो? कौन? रविंद्र सिंह भाटी, वो भी नया चेहरा है, उनको भी हम समर्थन करेंगे अगर वो खड़े होते हैं। पहली प्राथमिकता किसे? बिल्कुल रविंद्र सिंह को। रविंद्र सिंह को क्या उम्मीद है आपकी रविंद्र सिंह से? आप किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो बीजेपी को। क्या कारण है, क्या कैसा कार्य? कोई तो नहीं कार्यक्रम, कार्यकाल तो कौन से में किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया? आप वोट मोदी जी ने खूब काम, मोदी जी ने। आपके सांसद के कार्य कैसा रहा? था ही नहीं, यहाँ पर आता ही नहीं है, यहाँ का है ढोली को बनाया हुआ है जैसलमेर को। रविंद्र सिंह रेलवे को सब पूरी को बंद करा कर बाड़मेर लेकर गए, यहाँ का मतलब क्या रहा? जैसलमेर में जनता का यूं है पागल है, तो चाहे उनको वोट देती है, बाड़मेर वालों को वोट ही नहीं देना। रविंद्र सिंह खड़े होते हैं, कोई भी हो नए है नहीं देना है, यहाँ की रेल तो उठा कर लेकर चले गए। किसको वोट देंगे इस चुनाव? हमारा तो बीजेपी को ही है, कोई काम हो चाहे नहीं हो, काम हुए हो चाहे नहीं हो, काम हमारे क्या है, दुकान पे आके वो काम करेंगे, काम हमें करना है। जन सुविधाओं के काम हुए, जल पानी लाइट नहीं है, वो काम यहाँ आते नहीं है, माँ जो के कदे कोई भी नहीं। क्या हुआ बताइए? बीजेपी सरकार ने कभी आज तक कोई पोस्ट जितनी भी डिपार्टमेंट में खाली हुई है आज तक किसी ने भरी हो तो बता, कांग्रेस सरकार में तो मिली। फिर सरकार क्यों चली गई राज्य? चली भी यूँ है कि गुटबाजी होगी इसलिए वो चली गई। जी सर, मैं देखना चाहती हूँ जो भी आए हमारे यहाँ काम करे और औरतों के लिए बेस्ट, मतलब अभी जो सांसद है उन्होंने कोई काम ऐसे करवाया हो, महिलाओं के लिए कोई सम्मेलन हो आपने कोई पाया हो? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं देखा। बीजेपी के सांसद है कैलाश चौधरी अभी? जी अभी तक तो मैंने कुछ नहीं। रविंद्र भाटी के बारे में सुना है? हाँ जी, वो थोड़ा अच्छा मतलब इफेक्ट डाल, अगर वो अगर खड़े हों लोकसभा चुनाव में तो क्या उनकी तरफ आप वोट करेंगे? जी अभी तो वही फेमस है ज्यादा और मतलब लोग मानते हैं उनको, तो बेसिकली अगर कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी है, जिससे भी जो भी आदमी आएगा, चाहे मतलब ये जो निर्दलीय भी है, जो औरतों के लिए या समाज के लिए, औरतों के लिए कोई ऐसी चीज आपको लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी एजुकेशन से रिलेटेड मांग? हाँ जी, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसलमेर कितना, जैसलमेर जिले में जो गांव है ना, गांव में अभी भी औरतें शिक्षा से वंचित है, मैंने देखा है, उनके लिए कुछ अच्छा करे आगे, औरतों को शिक्षित करने के लिए और आगे मतलब उनके एजुकेशन, उनकी जो पुरानी परंपरा है उनसे बाहर निकालने के लिए कुछ करे। धोरों की तरफ हम आते हैं तो देखते हैं पानी की बड़ी कमी होती है आज भी? हाँ जी, हाँ हाँ, काफी जगह ये समस्या है, औरतें अभी भी पानी लेके आती। मोदी जी की सरकार है, क्या लगता है पानी की समस्या सॉल्व हुई? जी मेरा गांव है, ससुराल सेवा है, वहाँ पे अभी भी औरतें मतलब नल कनेक्शन नहीं है। आपने भी घड़े भर के पानी लाया? मैंने तो नहीं लाया सर, मैं तो यहीं पे रहती हूँ, सिटी में रहते हैं इस कारण, बट गाँव में ऐसा है? गाँव में है। वोट माथाना शायद हमारी आपकी जनता जीती पी, हमें बड़े आया का बड़े आया था बड़े में बीजेपी नो दियो कांग्रेस नो केनो दियो बीजेपी आना तो मोदी रे ना मारे छा ये ना छोटू सिंह ने हां हमें सांसद आ में केनो दियो तो हमें मारे मन करे हुए तो मानो का आगे बढ़ाए में बड़े आगे बढ़ के बढ़ाया आप ना आगे बड़ा छोटू सिंह हां मारे जयंती में ओ जे बजाए कौन मार काकू जी रविंद्र सिंह भाटी रविंद्र सिंह भाटी ओ हमें वोट हम खड़ा हुए रविंद्र सिंह है कैलाश जी है को रविंद्र सिंह और कर्म ने खोल कई को जयो रविंद्र सिंह भाटी को वोट देना चाहते क्यों क्या का कैसे लगता है रविंद्र सिंह भाटी आपको? जैसे कि अभी जो आज के समय जो दिख रही है उनकी और निर्दलीय में जो फर्स्ट बार बने एमएलए तो हमें अच्छा लगता है कि अब की बार रविंद्र सिंह जी हमसे उम्मीद है कि जो भी मंत्री मंदारी अपनी नहीं है हर हर मंदर भुट के कर्म कई उम्मीद है आपको रविंद्र सिंह पार्टी से क्या उम्मीद है? हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो और हमारे गांव में शिक्षा से लेकर हर चीज में हमारा आप पढ़ती हैं? यस। कौन सी क्लास में? हम 12th में। 12th में कहाँ पढ़ती हैं?
हम जैसलमेर जाते हैं, हमारे गांव में क्योंकि 12th तक स्कूल भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल हो 12th तक, इसलिए हम रविंद्र सिंह को चाहते हैं। बड़ा ही गर्मीला सूखा स्थान है, पानी है, पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, नल से लेकर हर कोई भी बनता है यहाँ पे, MP विधायक वगैरह सब अपना काम में लगे होते, कोई जनता का कोई नहीं चाहता। क्या बनना चाहती है आप? सर मेरा सपना RS का है। क्या बात है, अब जैसलमेर के इन धोरों से निकलकर एक बेटी जो है पढ़ाई और शिक्षा की मांग कर रही है और RS बनने का सपना लेकर चली रविंद्र सिंह भाटी से उम्मीद रखती है। आइए और लोगों से भी जानते हैं। वोट आ रहा है जो आप काम भी जाए कौन कराया केड़ो पहला काम है तो हमें वोट कहना दियो आप। रविंद्र सिंह बोर्ड मर्जी पे को इतना साल कहना दिया इतना साल बीजेपी ने क्या बात पहले कांग्रेस ने था आनो आनो हमके हमके कहनो देव ला तोर काम मार मर्जी पई वंडी हम काम जगह केला जी सांसद है इतरा काम करे ठीक काम कहीं को कराए कहीं कहीं चाहो आप उम्मीद कहीं कहीं मांगा है इतरी कहीं मांगा करे हारे मत मैं थका थका पा पानी बीजी सुविधा पानी ट्यूबवेल गवर्नमेंट है जो पी ही कोई मीठो पानी है खारो है खारो है खारो है देखो खोटा खोटा कराए वो मीठो पानी है कोई धंधा बीजा रोजगार टाबरार पढ़ाई कोई सुविधा सुविधा स्कूल है आर्मी वाली वो सुविधा घनी है बदलाव करना सरकार ने हमारा कुछ भी नहीं कहा कांग्रेस हो भले बीजेपी हो हर कोई अपना ही चाहती है और आने वाले समय में भी हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसी सरकार को लाना चाहिए जो हमारा भला करे और रविंद्र सिंह जी है और निर्दलीय से खड़े आपकी भाषा नेताओं वाली नेता बनना चाहती है क्या आप नेता नहीं है फिर भी मैं देख रही हूँ जो अवैध खनन वगैरह हो रहे मैं उसे रोकना चाहती हूँ बोरे भर तो कोई नुकता को नहीं बोरे भर तो पढ़ाई भी सुविधा पानी सुविधा घनी आए टू व्हीलर अपना घर इतना दिन वोट कह नो देता बीजेपी नो देता कांग्रेस ने देता कांग्रेस नहीं देना बीजेपी नहीं देना कह नो दे हमें गरीब और साथ कहीं नहीं करे बोरी भर कई को नौकरी मार दो कुमाई बुके और कुमाई खाओ जो कई को सास कई नहीं किसको वोट देंगे आप हम रविंद्र सिंह को क्या कारण है बस ऐसे ही कोई उम्मीद रविंद्र सिंह भाटी से उम्मीद तो है ना अभी जो 10 साल की बंदे में दम है अब बोली में दम है इसकी और वो काम भी अच्छे करता है 10 साल जो है मोदी सरकार के कैसे थे कार्यकाल कैसा था यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के लिए क्या क्या काम हुए जैसलमेर के लिए तो कुछ भी नहीं था बोर्ड कह नो दे होते हमके बोर्ड तो हमें आप जिके दिया हुआ बोर्ड ने तैयार मतलब काम थाना ध्यान केला जी ना ओळखो जो केला जी ओळखा तो काम भी जो करायो काम जो हमें काम कराए जी आपको मर तो कहीं लागे कौन कहीं लागे कौन तो कह नो वोट दियो हमके हमके बोर्ड तो खेर ही हो बोर्ड तो अपने जो सरपंच है वो इंडिया में जो सरपंच हमें सांसद आला में कहना दियो MP आला में तो मैं भाई जिके रखी रहूं तो कांग्रेस में उम्मीदवार हम बेनीवाल नो का टिकट दे और बीजेपी में केला जी नो दिए ओ भाई दी या अपने पूरे गांव दे से बोर्ड तो उठ इंडिया हो एक माल बोर्ड में पटे है तो गांव के हिसाब की नो दिया करे ज्यादा काम तो इतना साल के नो दियो मैं तो इतना ने दियो जो को कांग्रेस ने दियो और बीजेपी ने दियो और दियो तो आखिर मन के समझ बैठी संगलान दे दे तुम्हार की नो वो काम है यो अटे पानी मार तो कोई मिलियो कोनी लाइटा भी जी लाइट दे भले आवे कटे कटे मन पानी आलो बिन बिल्कुल है कोनी टाबरान में स्कूल आ भी जी तो पढ़ाई सुविधा भी जी है कोनी कोई जावे आ खडाले स्कूल में ग्राम पंचायत वाले स्कूल में हुए मां ओए में बड़े छोरा जावे जावे अपन हुए पढ़ाई तो बीजी हुए मास्टर पढ़ावे जे पढ़ाओ तो से बगैर पढ़ाओ या आखिर छोरा बेड़ा जावे हूं तो गेव बोल छोरा पढ़ाओ तो पढ़ाया बीजी टापर केड़ी करे ठा पड़े तो पढ़ाई तो खासी करे बी छोरा पढ़े खासी करे पानी बीजी है पानी अगे गत तो है कौन बिल्कुल पानी पर बिल्कुल कोई सुविधा बीजी बाजार तो है कौन गांव बाजार इनो बीजी पानी अजे गड़ा भरना पड़े गड़ा भरना पड़े हॉस्पिटल बीजा हॉस्पिटल तो मैं जावा बठाले भी उठे बठाले जाओ ये गांव में तो है गांव में है वो ने केड़ो पानी के बा के खाकू के घड़ा भरे लाना पड़े तेई घड़ा भरे ला पानी सुविधा भी कोई है वो ने तो की करे तबीयत भी खराब है तो हॉस्पिटल भी जा बठाले जाओ बठाले जानो पड़े आ के लेडीज आन कई सुविधा दी है कोई पैया भत्तो भी जो आवे पेंशन भी जा आवे पेंशन आवे कितनी आवे आवे 800 रुपया में 800 रुपया आवे रहा बीजो पानी सुविधा है कौन तो की कर चलाओ बस काम गोना है बीजा गाया गोना हुआ ना पानी लावा थे जाड़ी खड़े हो टा ले जाड़ी खड़े हो अठे कोई सुविधा बीजी है कौन कोई आओ पूछण ने करने सुविधा बारे में ना भैया कोई को आए खेती बाड़ी करो पढ़ाई बीजी करी थी ना क्यों कई कारण स्कूल आ बीजी स्कूल अभी देती कौन देना थे आते ही कौन कोई सुविधा कहीं कराई कौन सरपंच है कोई नेता है MP MLA कोई ना कई सुविधा नहीं कराई कई सुविधा नहीं कराई हमें पानी भी जो खेती करो खेत में पानी है कौन पानी आई कौन बरसात वाले में खेती करो हाँ हमें पानी पीऊं ने है जो को घोना रहे अभी जो खेत में बिजला घड़ा भरे भरे ले आओ पानी लाओ अधी माता
ओदी माथो जाय जाय ले कितो आगो कासो 4-5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर डेली पानी लाओ ओदी माथ वना बीजा चारण के जाओ एरिया में जावा एरिया में जाओ तो सरकार बीजी कोई सुविधा कराने कोई बीजो आयो ना पानी बीजी कोई सुविधा नहीं कितो टाइम लागे ओदी मो घड़ा भरे भरे लाते दिन में लगभग 2-3 घंटा लागे 2-3 घंटा लागे कितना घड़ा लाना पड़ेगा 10-12 घंटा माल पिए गाया भैंसा काया को दिन सेंग यो घड़ा भरे लाना करना माथो काया वहां तो कठा लाओ है कोनी है कोनी काया भया कितनी है काया भया हेंगारे मार 5 घरे 5 घरे हां हेंगार 10-12 गाया भैंसा तो भले कोई सुविधा सरकार तरफ लाइटा भी जात रे लाइट आए को थोड़ी गैस कनेक्शन आ रही है पानी आ रही है गैस कनेक्शन ना ओ ये चूल्हे माते बनाओ खानो भी जो सब हां लकड़ियां बाडी बाडी लाओ हगी जो पेलार जो अजय हुई गए हां दोरे में लाओ लकड़ी सरकार तो के कई में सुविधा कर दी वो कर दी गैस दे दी पानी दे दिया बिजा अठे कई नहीं चूल्हो रोटी करान पानी लाओ मात में टाबरा भी जे हमें थे तो पढ़िया को स्कूल आती को ने छोरकिया नैनी नैनी बैठी है एकन मारे स्कूल नेड़ी एकन हां बिजा कितना किलोमीटर स्कूल 2-3 किलोमीटर एक कुडाल गांव में हां एक साधारण स्कूल है एक गोदाना गाले अठे मारे बिलार बिलार जाता हम अठे कई स्कूल है हां छोरियान पढ़ाई बीजी अजय मतलब जीरो कोई स्कूल टावर जाओ ना ना तो मैं पढ़ा नहीं टावर जाओ ना तो कोई मांग बीजी करी को स्कूल बीजी रेत सरपंच देवन की मांग करा ना पानी री ना स्कूल री कहीं मांग नहीं एमपी एमएलए कोई आयो पूछने को दे ना कोई नहीं आयो की कर काम चलाओ ये तेरे दौरे में तावड़ में दुखी पानी को है स्कूल को है हॉस्पिटल भी जा कहीं नहीं दोरो पड़े मैं बेटा अब युवा है पढ़ते हैं क्या करते हैं बीए सेकंड ईयर चल रही मेरे कॉलेज यहाँ पे जैसलमेर कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप कैसी व्यवस्था है पढ़ाई की व्यवस्था पढ़ाई की ठीक ठाक है घनी खास नहीं है हम चाहते हैं पढ़ाई की व्यवस्था और अच्छी हो वोट देते हैं आप फैसिलिटी वगैरह हाँ वोट देते किसको वोट देंगे इस चुनाव हम उसी सरकार वैसे हम मेरे मतलब मैं जिस सरकार को चुनूंगा ना वो जाति या धर्म से ऊपर उठ के जो सरकार होगी मैं उसको वोट दूंगा जैसे पढ़ाई की बात करेगा या शिक्षा व्यवस्था की बात कौन आपको लगता है कौन कर रहा है पढ़ाई की बात हमारे लिए कांग्रेस सरकार है मैं कांग्रेस सरकार को अच्छा मानता हूँ कांग्रेस को वोट देंगे को मैं वोट दूंगा नहीं क्योंकि वो धर्म की राजनीति करती धर्म की राजनीति मुझे पसंद नहीं तो यहाँ हमने तमाम तरह के लोगों से बात की इनसे जाने जैसलमेर के चुनावी रुझान कुछ का कहना है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होंगे कुछ का कहना है धर्म की राजनीति पर वो विश्वास नहीं रखते कांग्रेस को वोट देंगे कुछ का कहना है कि वर्तमान यहाँ से सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का कार्यकाल जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है वो रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा चेहरे को अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं बने रहिए हमारे साथ आगे भी जानेंगे और लोगों से उनके विचार